हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमरोल टायर मैनुफैक्चरर्स के आईपीओ के बारे में सो so, इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो दिस आई पी ओ इज़ नॉट ओपन एट इट ओपर और फिफ्थ डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हाई स्टॉक है दिस स्टॉक विल ट्रेड विद द लॉर्ड साइज ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड शेयर इन द एस एव सेगमेंट मिनिमम क्वान्टिटी है बारह सौ शेयर्स का प्राइस रेंज है फ्रॉम नाइन्टी टू नाइनटी फाइव रुपीज़ इन्वेस्टर टाइप है इन्वेस्टर इशू साइज ऑफ़ फिफ्टी वन लाख एटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड शेयर्स का आई पी ओ स्टेटस यानी कि आई पी ओ के टाइम लाइन देख लेते हैं एक लॉट खरीदते हैं एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ नाइनटी तो उसका अमाउंट होता है वन लाख एट थाउजेंड रुपीज़ यानी कि अगर आपको इस आई पी ओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा एक लाख आठ हज़ार रुपये आई पी ओ स्टेटस यानी कि आई पी ओ के टाइम लाइन देख लेते हैं ऑफर स्टार्ट होता है ऑन फिफ्थ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑफर एंड होता है नाइन्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अलॉटमेंट होता है और टेंथ दिसंबर 2024 रिफंड इनिशिएट होता है और अलेवेंथ दिसंबर 2024 थाउजेंड डिमैट ट्रांसफर होता है और अलवेंथ दिसंबर 2024 लिस्टिंग होता है और ट्वेल्थ दिसंबर 2024 और मैंडेट एंड होता है और ट्वेंटी फोर्थ डिसंबर टू जान लेते हैं अबाउट एमरल्ड टायर मैनुफैक्चर लिमिटेड आई के बारे में एमरल्ड टायर मैनुफेचरर्स आई इज़ अ बुक बिल्ड इशू

टोटल इशू साइज ऑफ़ 5.1 मिलियन शेयर्स फ्रेश इशू है ऑफ 4.9 मिलियन शेयर्स ऑफर फॉर सेल है वन लाख नाइन्टी शेयर्स का इशू टाइप है बुक बेड इशू आई शेयर होल्डिंग प्री इशूज फोर्टीन मिलियन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का नाइनटीन मिलियन और मार्केट मेकर पोर्शन है ऑफ थ्री लैख शेयर्स यहाँ पर आप आईपीओ का रिजर्वेशन देख सकते हैं रिटेल शेयर्स के लिए है नॉट लेस देन थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द नेट इशू आईपीओ पी के टाइमलाइन हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी आई पी लॉट साइज में यहाँ पर आप देख सकते हो आई पी ओ होल्डिंग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग प्री इश्यू सिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स टू परसेंट शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू कितना होगा वो अभी तक मैंशन नहीं है चलिए जान लेते हैं अबाउट एमरल टायर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड इट वॉज एनकार टू थाउजेंड टू एमरल टायर मैनुफैक्चर स्पेशलाइजेज इन मैनुफैक्चरिंग सप्लाइंग एंड सर्विसिंग अ वाइड रेंज ऑफ टायर्स द कंपनी ऑफर्स इट्स प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम गस्टो यहाँ पर हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अमाउंट मेंशन इज़ इन लैक्स एज़ ऑफ थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इनके पास रेवेन्यू ऑफ सिक्सटी फोर पॉइंट नाइन टू करोर्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फोर पॉइंट वन थ्री करोर्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि के पी देख लेते हैं आर ओ सी ई फिफ्टीन पॉइंट एट फोर परसेंट टू इक्विटीज़ वन पॉइंट सिक्स वन आर ओ एन ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट पी बाई बी वी इज टू पॉइंट फाइव फाइव पैट मार्जिनज सेवन पॉइंट वन सिक्स परसेंट यहाँ पर हम आई का पीयर कंपेरिजन देख लेते हैं प्री आई पी यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है एट पॉइंट फोर फोर रुपीज़ पोस्ट आई पी वो होगा सिक्स पॉइंट टू एट रुपीज प्री आई पी ओ पी ई रेशियो पॉइंट टू फाइव पोस्ट आई पी वो होगा फिफ्टीन पॉइंट वन टू यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देख लेते हैं टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू मीट जनरल कारपोरेट परपजेज एंड टू मीट ऑफर एक्सपेंसेज यहाँ पर आई पी ओ रिव्यू मैं ऑफ दिस वेबसाइट डेंट यू कैन अप्लाई इन दिस आई पी ओ Although you can do your own research before investing in any IPO, the company is engaged in manufacturing and marketing of comprehensive range of tires for material handling applications at global presence. It posted steady growth in its top lines with boosted bottom lines for FY22 onwards. Based on FY25 super earnings, the issue appears fully priced. Investors may park funds for medium to long term. सो ये था हमारा आई पी ओ एन ऑफ दिस कंपनी ऐसे ही इंटरेस्टिंग आई पी ओ एनआरएसिस स्टॉक स्प्लिट्स बोरेशेस एड डिमिटेड पेड्स की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डेड